अस्सलामुअलैकुम, पार्ट थ्री लेक्चर नंबर 8 उसका पार्ट थ्री। अब देखें यहाँ पे न्यू टॉपिक है न्यूक्लियर फिजन या फिजन रिएक्शन। अभी न्यूक्लियर फिजन या फिजन रिएक्शन क्या है कि हैवी न्यूक्लियस का छोटे न्यूक्लियस पर ब्रेक डाउन होना, साथ साथ एनर्जी का प्रोड्यूस होना। यानी जब हैवी न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन को जब अंदर इंजर्ट यानी कि इंसर्ट किया जाता है, बॉम्बार्डिंग की जाती है कि वह देखो यहाँ पे यूरेनियम न्यूक्लियस है, ठीक है, विच इज हैवीएस्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट। जब इसके साथ एक न्यूट्रॉन को जब रिएक्ट करवाया जा रहा है, तो जैसे ही इसके साथ एक न्यूट्रॉन एक इसके साथ रिएक्ट है, यानी जब उसके न्यूट्रॉन को जब उसके साथ बॉम्बार्डिंग करवाया जा रहा है, मतलब इसके न्यूक्लियस के अंदर जब डाला जा रहा है, तो जैसे ही जब न्यूट्रॉन को इसके न्यूक्लियस के अंदर डाला जाता है, तो ये यूरेनियम न्यूक्लियस क्या होता है, ये ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं और दो स्मॉलेस्ट न्यूक्लियस पर टूट जाते हैं। देखिए यहाँ पर दो स्मॉलेस्ट न्यूक्लियस, एक बैरियर जिसके एटॉमिक मास 144, एक क्रिप्टॉन जिसके एटॉमिक मास 90 है। तो देखो यूरेनियम हैवी न्यूक्लियस जिसके एटॉमिक मास 235 था, व्हेन न्यूट्रॉन इज बॉम्बार्डेड विद यूरेनियम न्यूक्लियस, इट ब्रेक डाउन इंटू स्मॉलेस्ट न्यूक्लियस, इंटू टू स्मॉलेस्ट न्यूक्लियस, वन इज बैरियम एंड अदर इज क्रिप्टॉन, एंड विद 3 फिजन न्यूट्रॉन। ये फिजन न्यूट्रॉन कहलाएगा कि ये फिजन रिएक्शन की वजह से ये न्यूट्रॉन बना है, तो इसको हम फिजन न्यूट्रॉन कहेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा है फिजन न्यूट्रॉन और साथ साथ एनर्जी हासिल होती है, हीट एनर्जी। तो ऐसे रिएक्शंस को क्या कहते हैं, फिजन रिएक्शंस कहते हैं या न्यूक्लियर फिजन्स कहते हैं। द स्प्लिटिंग ऑफ अ हैवी न्यूक्लियस इनटू टू फ्रेगमेंट्स या इनटू स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट्स या इनटू फ्रेगमेंट्स विद इमिशन ऑफ एनर्जी वेयर न्यूट्रॉन इज बॉम्बार्डेड एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फिजन रिएक्शन। दोबारा सुने, द स्प्लिटिंग ऑफ ए न्यूक्लियस ऑफ अ हैवी न्यूक्लियस इनटू फ्रेगमेंट्स विद द इमिशन ऑफ एनर्जी व्हेन न्यूट्रॉन इज बॉम्बार्डेड एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड फिजन रिएक्शन। देखिए यहां पे ये रिएक्शन इक्वेशन बनी हुई है, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्या आपको पेपर में इक्वेशन लिखने को कहा जाएगा। तो देखिए यहां पर आप देख सकते हो, व्हेन न्यूट्रॉन इज बॉम्बार्डेड विद यूरेनियम न्यूक्लियस, सो यूरेनियम न्यूक्लियस ब्रेक डाउन इनटू टू स्मॉलेस्ट न्यूक्लियस इनटू टू फ्रेगमेंट्स, दो फ्रेगमेंट मतलब उसके पार्ट्स। तो बैरियम एंड क्रिप्टॉन हासिल हुआ और साथ साथ 3 न्यूट्रॉन हासिल हो रहा है और साथ साथ हीट एनर्जी हासिल हो रही है। तो ऐसे रिएक्शंस को क्या कहते हैं, फ्यूजन रिएक्शंस कहते हैं। लेकिन ये फ्यूजन रिएक्शन कुछ ऐसा है कि इसमें ये रिएक्शन अगर एक दफा स्टार्ट करवा दिया जाए तो ये रिएक्शन कंटिन्यू रहता है जब तक पूरा जो एलिमेंट जो एटम लिया गया उसमें, तो पूरा एटम अगर एक एक एटम खत्म ना हो जाए तब तक ये रिएक्शन कंटिन्यू रहता है, सिर्फ एक दफा स्टार्ट करना। तो जब ये रिएक्शन स्टार्ट होता है इसकी चेन बनती है, तो इसे हम फ्यूजन रिएक्शंस को चेन रिएक्शन भी कहते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड चेन रिएक्शन। इसमें एक चेन बनती है, सपोज इट है यहाँ पर डायग्राम बने हुए, तो जब एक यूरेनियम न्यूक्लियस के साथ एक न्यूट्रॉन को जब अंदर दाखिल किया जा रहा है, एरो से मतलब ये समझ में आ रही बात कि दिस इज न्यूट्रॉन, ठीक है, और इसको इंसर्ट किया जा रहा है किसके, इसके यूरेनियम के न्यूक्लियस के अंदर। तो जैसे इसके अंदर इसको दाखिल किया गया तो क्या हुआ कि ये जो है कि यूरेनियम न्यूक्लियस जो है वो दो स्मॉलेस्ट न्यूक्लियस में ब्रेक डाउन हो गया। देखिए दो स्मॉलेस्ट न्यूक्लियस, एक ये और एक ये, एक बैरियम और एक क्रिप्टॉन है, और साथ साथ दो न्यूट्रॉन या 3 न्यूट्रॉन, कभी कभी 2 न्यूट्रॉन हासिल होते हैं, कभी कभी 3 न्यूट्रॉन हासिल होते हैं। तो यहाँ पर मैंने डायग्राम में ये नजर दिखाया कि देखिए ये जो है कि न्यूट्रॉन है, ये इसके यानी कि ब्रेक डाउन होने की वजह से, इसके टूटने की वजह से ये 2 न्यूट्रॉन हासिल हुआ है, तो ये न्यूट्रॉन क्या कहलाएगा, फिजन न्यूट्रॉन। अब ये क्या होगा, क्योंकि अगर हमने यूरेनियम लिया होगा तो उसमें बहुत सारे यूरेनियम के एटम्स होंगे, 1000 यूरेनियम के एटम्स होंगे, 2000 भी हो सकते हैं। तो देखो ये मजीद ये दो फिजन न्यूट्रॉन है, ये मजीद दूसरे यूरेनियम न्यूक्लियस के अंदर दाखिल होगा। जैसे देखिए ये जो फिजन न्यूट्रॉन है, इसके यूरेनियम न्यूक्लियस के अंदर दाखिल हुआ, इसको तोड़ा, तोड़ने के बाद मजीद 2 फ्रेगमेंट्स हासिल हुए, इसमें से ये न्यूट्रॉन हासिल हुआ, फिर ये न्यूट्रॉन, ये रहा न्यूट्रॉन जो दूसरे यूरेनियम न्यूक्लियस के अंदर दाखिल हुआ, इसको तोड़ा, और उसको तोड़ने के बाद इससे 2 फ्रेगमेंट्स और 2 न्यूट्रॉन हासिल हुआ। अब ये क्या होगा, ये 2 न्यूट्रॉन मजीद अगले यूरेनियम न्यूक्लियस के अंदर दाखिल होगा, और ये दोनों भी अगले यूरेनियम न्यूक्लियस के अंदर दाखिल होंगे, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगी। देखिए यहाँ पे जब पहले एक न्यूट्रॉन दाखिल हुआ तो इससे कितने न्यूट्रॉन हासिल हुए, 2, जब 2 न्यूट्रॉन हासिल दाखिल हुए तो इसे कितने न्यूट्रॉन हासिल हुए, 4, जब 4 न्यूट्रॉन है तो 4 यूरेनियम न्यूक्लियस के अंदर दाखिल होंगे, और उससे 4 से कितने यूरेनियम न्यूक्लियस फिजन न्यूट्रॉन हासिल होंगे, 16 से 16 का स्क्वायर, और इस तरीके से एक रिएक्शन एक चेन बनती रहती है, जिससे क्या होता है कि एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही होती है। जैसे जैसे फिशन न्यूट्रॉन की तादाद बढ़ रही होती है वैसे वैसे एनर्जी बढ़ रही होती है, तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, चेन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो देखिए न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन एंड फिजन रिएक्शन चेन रिएक्शन, ये पूरे डिटेल में आपको लिखना होगा, बुक से देखकर आप पूरे डिटेल में लिखोगे, डायग्राम भी बनाओगे, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में लगाते हैं।